राजस्थान पॉलिटिकल स्ट्राइक रे केउ विमान रे पायलट हेबे सचेत बीजेपी ना कांग्रेस ना गोडीबे निजरो नूतन दल ए सबु चर्चा को नै सरगरम थिबा राजस्थान राजनीति रे एबे नुवा ट्विस्ट पायलट को पद जिबा परी मामला भी कोर्ट रे सेपटे बीजेपी कांग्रेस मध्य रे घोड़ा बेपारो नै वायरल हेउची ऑडियो टेप कांग्रेस पक्षरु अभिजोग जे तथा कथित ऑडियो टेप रे घोड़ा बेपारो नै कथाबार्ता होउची एति मध्यरु जणे व्यक्ति निजकु संजय जैन एवं अन्य जणे गजेंद्र सिंह बोली वर्णना करुछंती एति सहित वार्तालाप रे भंवरलाल शर्मा नाम मध्य उल्लेख करा जाइछ ऑडियो रे थिबा जणे व्यक्ति कहउछंती जे शीघ्र 30 संख्या संपूर्ण हेबो तापरे राजस्थान दे से जितिबा विषय रे मध्य कहउछंती वार्तालाप समय रे जणे व्यक्ति कहउछंती जे आमर साथी माने दिल्ली रे बसछंती से माने टंका नैछंती प्रथम किस्ती आसुचे कथाबार्ता समय निजकु गजेंद्र सिंह बोली वर्णना करूतिबा जने व्यक्ति सरकार को हाथ रे रखिबा कथा कहउचंते ये डॉक्टरेट इसलिए नहीं किया गया है संबित पात्रा की तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी उसके बाद कुछ बचता नहीं है उन्होंने कहा कि टेप बिल्कुल सही है मैं राजनीति छोड़ दूंगा इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो एक इतने बड़े सीनियर लीडर ने जब इतनी बड़ी बात कह दी तो अब ये मानकर चलिए अमित शाह जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए बताए कि बीजेपी की भूमिका क्या है बीजेपी क्या चाहती है कांग्रेस के बागी सामने आते नहीं है श्री गहलोत को अब स्पष्ट करना चाहिए कि जो फोन टेपिंग है वो किसकी सहमति से हुआ किस संगठन ने किया और उन्होंने किस परिस्थिति में जारी किया ये एक बड़ा अपराध है सेपटे राजस्थान रे चालीथिबा राजनैतिक हाइड्रा माने भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र संबित पात्र कहिसेंती जे कांग्रेस सरकार राजनैतिक नाटक करछंती हाई कमांड को सहित युद्ध अबे हाई कोर्ट रे पहुंचिछि कांग्रेस रो गोष्ठी कोंदळ बे रास्ता रे पहुंचिछि बोली से कहिसेंती कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स ये बात नहीं कर रहे थे उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है कौन हाईकमान है किस प्रकार चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है बंधुगण आप जरा सोचिए घर की लड़ाई सड़क पर आती है सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो कोई सुंदर हो कोई अंग्रेजी कहे कोई बाइट दे उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी अशोक गहलोत निजे गणमाध्यम सामना को आसी कहिसेंती जे 18 मास धरि मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को मध्य रे कोनसे वार्तालाप होई नै तेबे केउ आधार रे फोन टैप होइतिरा राजस्थान सरकार एहार उत्तर देबा उचित फोन टैप बेले एहा एको संवेदनशील एवं आइनगत विषय होइ नथाय कि बोली प्रश्न करिसेंती संबित पात्र आपण तांको फोन को टैप करछंती कि जेउ माने अन्य दलर सदस्य अटंती राजस्थान रो परिस्थिति एक जरूरी कालीन परिस्थिति नुए कि एसओपी कार्यरे अछि के नाही एति सहित ई पूरा राजस्थान एपिसोड रा सीबीआई द्वारा जांच पाइ बीजेपी दावी करछि एसओपी किपरि अनुसरण कला फोन ट्याब इत्यादि समस्त राजनैतिक दलर लोकंकु एपरि व्यवहार करा जाउछि कि ए विषय रे सीबीआई द्वारा तुरंत तदंत हेबा उचित बोली बीजेपी कहिछि दिल्ली रु गगन बिस्वालंक रिपोर्ट द अर्गस 13